dear students, Jai Paryavaran. This month, Jai Paryavaran. Why, ma'am? Okay, one thing I will tell you. Because on 5th June, we celebrate Environment Day. Means, Vishwa Paryavaran Devas. That's why our salutations is Jai Paryavaran. Right? So, और this month your positive affirmations is जैसे कि last month आप बोलते थे I can do it, I will do it, right? तो this month I will be punctual in my work. That means मैं हमेशा अपना काम time पे करूँगा. Punctual मतलब on time, right? As you know कि 8:30 पे आपकी class शुरू हो जाती है, आप अपने सारी belongings ले लोगे, जो भी मैम ने worksheet, जो भी मैम ने books, take everything and sit, all the belongings, फिर on time पे breakfast करना, time पे उठ जाना, फिर time पे अपना work करना, time पे खेलने जाना, back to work, time पे सो जाना, मतलब punctual होना है अपने time पे. Someday it's happened when you are ill, when you go outside, that day schedule थोड़ा mashy हो जाता, that okay, but every day you will be punctual on your work. Chalo. Now today's topic name I will tell later. That before just hum kuch aaj names dekhte hain. Kaise? Look at your surrounding first. Aap apne surrounding mein dekhi. Everything has a name. Aap dekhiye zara. Just look at it. I'm here. Dekha? अब देखो अपने सराउंडिंग को, मतलब कि अपने आजू बाजू देखिए, बहुत सारी चीज पड़ी है और सबके कुछ ना कुछ नेम है. ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसके कोई नेम नहीं है. हाँ, यू नो द नेम ऑफ थिंग्स, दैट इज ओके, अदरवाइज एवरीथिंग हैज अ नेम. कैन यू सी माय सराउंडिंग? ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, मैंने फोन ले लिया है. ओके, फाइन. सी, अब मैं अपने सराउंडिंग बताती जा रही हूँ और अपनी चीजें उसके नेम. दिस इज फर्स्ट थिंग, दिस इज बोर्ड, राइट, डस्टर, चॉक, ओके, बुक्स, ओके, फाइन, ओके ओके ओके, यस, स्विच बोर्ड, स्विचेस, ओके, देन हियर यू कैन सी सो मेनी थिंग्स. This is sticky notes, eraser, colors, sanitizer, pen, pen stand, box, color trays, same books, pen, marker pen, pencil, chalk box, everything has a name. Okay, okay, okay. Books, selfie stick, pillow, chair. Okay, curtain, window, clothes, bed, charger, broomstick, okay, cupboard, right? Everything has a name. You can see this is writing pad, speaker, AirPods, so many books, मोबाइल कवर, राइट. तो यू कैन सी आपके सराउंडिंग को देखिए, आपने आसपास देखिए, वहां पे भी हर चीज के नेम है, राइट. जस्ट अ सेकेंड. ओके, फाइन. सो एवरीथिंग हैज अ नेम. आपके सराउंडिंग में हर चीज के नेम है. ऐसी कोई चीज नहीं होगी जिसके नेम नहीं है. आपकी मम्मा के नेम, घर में सारी चीज पड़ी हुई है उसके नेम, इफ यू गो आउटसाइड, हर एक चीज के नेम है. None of every, कोई चीज नहीं है जिसका कोई नेम ना हो. तो आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग वर्ड्स, राइट. जैसे कि आपने देखा हर चीज का कुछ है, तो सेम आज हमारा ग्रामर का टॉपिक है और उसका नेम है नेमिंग वर्ड्स, राइट. ओके, अब आपके लिए इजी हो जाएगा. नेमिंग वर्ड्स को दूसरा क्या कहते हैं? नाउन. क्या कहते हैं? नाउन. वो था सेम. नेमिंग वर्ड्स का अनदर नेम इज कॉल्ड नाउन, राइट. अब नेमिंग वर्ड्स क्या है? जैसे कि एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग हैज नेम. मैंने आपको बहुत सारी चीजें भी दिखाई मेरे सराउंडिंग में.
आपने अपने सराउंडिंग में अपने आसपास भी देखा होगा, वहां पे भी बहुत सारी चीजें, आपने उसके नेम भी पता होंगे, राइट? आप उसमें नहीं में बाइफोकेट कर रहे हैं किस तरह से. सी पर्सन, फर्स्ट ऑफल जो है वो है पर्सन. अब पर्सन किसको कहते हैं, मतलब कि वन, पर्सन मतलब वन, और पीपल मतलब एक से ज्यादा. पर्सन मतलब कि हम सब ह्यूमन पे, जैसे कि माय नेम इज एकता, राइट? तो एकता मतलब मैं पर्सन हुई, राइट? फिर आपके भी देखो, आपके नेम है, यानी कि सोनू, रिया, सानवी, हीर, खुश, एवरीबडी, आपके सबके भी नेम है. कोई यहाँ पे एक भी स्टूडेंट से, मैम मेरा कोई नेम ही नहीं है, मेरी मम्मा ने, पापा ने, फिया ने मेरा नेम ही नहीं रखा है. आप तो कहते हो कि सबके नेम है, कोई है यहाँ पे? नो ना, एवरीबडी हैज ए नेम, राइट? सबका नेम है, आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपके ग्रैंडपा का, ग्रैंडमा का, अंकल, आंट, आपके फ्रेंड्स, कजिन, आपके फ्रेंड्स के भी सबके नेम है. कोई ऐसा कोई फ्रेंड नहीं होगा जिसका नेम नहीं है, बस वो मेरा दोस्त है, उसका कोई नेम नहीं है. नो, एवरीबडी हैज ए नेम, राइट? ऑल आर ह्यूमन बींग हैज ए नेम. तो वो किस में आते हैं, पर्सन में आते हैं. किस में आते हैं, पर्सन. फिर नेक्स्ट, आप अपने सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी देखते हो, राइट? वो सबके भी नेम्स होते हैं, राइट? तो सेकेंड बनाया एनिमल्स. अब एनिमल्स में जैसे कि टाइगर, होर्स, लायन, काउ, एलिफेंट, ज़ेब्रा, जिराफ, पांडा, बेयर, राइट? दिस आर द एनिमल्स. फिर बर्ड्स में पीकॉक, मोर, राइट? पीकॉक, क्रो, पैरोट, पीजन, स्पैरो, राइट? दिस आर द बर्ड्स. इंसेक्ट्स में कॉकरोच, एंट, दिस आर द हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, दिस आर द इंसेक्ट्स, राइट? तो दिस आर ए एनिमल्स. वो सब किस में आते हैं, एनिमल्स में आते हैं, राइट? तो वो सबके भी नेम है. ऐसा कोई भी एनिमल, ऐसा कोई भी बर्ड्स नहीं है जिसका कोई नेम ना हो. सबका कुछ ना कुछ नेम है, राइट? वो सब एनिमल्स में आए. फिर प्लेस, प्लेस मतलब क्या, जैसे कि आपके नेबरहुड में आप कहीं पे बाहर जा रहे हो, जैसे कि मार्केट है, वो एक जगह है, राइट? वेयर इज मम्मा, तो के मम्मा मार्केट गई वेजिटेबल्स लें या तो फिर कोई ग्रोसरी आइटम्स लेने, राइट? मार्केट. फिर स्कूल, स्कूल भी एक प्लेस है जहां पे आप लर्न करते हो, राइट? फिर गार्डन, प्लेस जहां पे आप खेलने जाते हो, राइट? नेक्स्ट वन, बैंक, राइट? पोस्ट ऑफिस, हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, दिस आर द प्लेस, राइट? वो सब प्लेस है. फिर मोरबी इज अ सिटी, इज ऑल्सो प्लेस. राजकोट, अहमदाबाद, सूरत, जामनगर, धांगध्रा, भावनगर, दीज आर ऑल्सो प्लेस. इंडिया, अमेरिका, पाकिस्तान, पेरिस, मलेशिया, राइट? दीज आर दी प्लेस. वो एक दूसरे, एक एक जगह का नेम है. जैसे कि हम आपको वेकेशंस है, तो आप वेकेशंस में कहाँ जा रहे हो, तो somebody says कि मैं अपने गांव जा रहा हूँ, मतलब उस गांव का कुछ नेम है, तो वो एक प्लेस है. फिर कोई गार्डन जाएगा खेलने के लिए, स्पोर्ट्स एकेडमी जाएगा, तो वो एक प्लेस है, राइट? वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस है, हर एक जगह का अलग अलग नेम है. ऐसी कोई प्लेस है, मुझे नहीं पता, वो एक प्लेस है, वहां हम गए थे, आपको नहीं पता, दैट्स फाइन, बट उस प्लेस का कुछ तो नेम होगा. तो एवरी प्लेस हैज अ नेम, राइट? तो वो प्लेस में आया एनिमल्स एंड पर्सन. फिर मैंने आपको थिंग्स तो दिखाई, बहुत सारी थिंग्स मतलब चीजें, राइट? जिसमें पेंसिल, इरेजर, स्पीकर, बैग, कर्टेन, कपबोर्ड, फैन, दीज आर कॉल्ड थिंग्स, चेयर, राइट? तो वो सब थिंग्स में आया. तो दीज आर कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स, है ना? इज ए टॉपिक, राइट? एज यू नो, इन द वर्ल्ड, आप कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, हर चीज के कुछ ना कुछ नेम है. दैट्स कॉल्ड नेमिंग वर्ड्स. और नेमिंग वर्ड्स अदर नेम इज नाउन, राइट? सो नाउ यू कैन टेक आउट योर पेज नंबर. जैसे कि एवरीबडी हैज लर्न वेल, राइट? आप सबके पास लर्न वेल है. सो लर्न वेल ग्रामर टॉपिक चैप्टर वन, नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स, यू कैन टेक आउट पेज नंबर 59 इन योर लर्न वेल,
Right, naming words or nouns. See, the first red line. You can underline this line even, okay? Every person, as I told you, my name, your name, places, Morbi, Rajkot, market, bank, garden, things, as I show you so many, cutting, pencil, eraser, chalk, pot, bat, pillow, etc. Then, in a grammar, we call them naming words or nouns. उसको क्या कहते हैं नेमिंग वर्ड्स और नाउन्स इन द ग्रामर लैंग्वेज सो यू कैन सी वन ऑफ द टू पिक्चर्स आर देयर फर्स्ट इज रेड जैसे कि वो एनिमल्स में आया सेकंड वन बॉट राइट उसका भी नेम है सो दैट्स आर कॉल्ड द नेमिंग वर्ड्स अब लर्न दिस कॉमन नेम्स अब यहाँ पे आपको और नेम्स लर्न करने हैं जैसे कि बॉट्स तो बहुत ज्यादा है तो यू कैन सी इन योर लैंग्वेज राइट आपकी लैंग्वेज में वन ऑफ द येलो बॉक्सेस देयर इन देम सो मेनी नेमिंग वर्ड्स आर देयर एंड देन यू हैव टू बी डिफरेंशिएट उस सबको डिफरेंट करना है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में जैसे कि टाइगर है तो टाइगर इसमें से किस में आएगा टाइगर इज अ पर्सन नो टाइगर इज अ प्लेस टाइगर कोई जगह का नेम है टाइगर किसी चीज का नेम है नो टाइगर इज अ एनिमल राइट तो वो हमने एनिमल में लिया फिर सपोज कि मैं बोलूं कि दिस इज चौक तो चौक किस में आएगा चौक कोई इंसान है इट्स अ ह्यूमन बीइंग नो वो पर्सन में नहीं आएगा चौक कोई प्लेस है जहां पे हम जाते हैं नो चौक कोई एनिमल है दिस इज एनिमल नो तो चौक इज अ थिंग वो क्या हुआ एक चीज है तो यहाँ पे आपको येलो बॉक्स में बहुत सारी चीज दी है आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उसके नेम ऐड करने हैं राइट तो यू कैन सी नाउ अंडरस्टैंड नाउ चूज फ्रॉम द बॉक्स सम नेम्स ऑफ ईच ग्रुप्स अब येलो बॉक्स में से आपको चूज करना है और नीचे आपको कैटेगरीज दी है बर्ड्स थिंग्स ऑन द पेज नंबर 60 फ्रूट्स प्लेसेस वर्कर्स क्लोथ्स एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स तो हमें सब में उसमें अपने जो भी यहाँ पे आपको नेमिंग वर्ड्स नाउन्स दिए हैं वो हम उसमें ऐड करेंगे ओके जस्ट अ सेकेंड यस नाउ इन योर लैंग्वेज पेज नंबर 59 येलो बॉक्स ओके द फर्स्ट वन आपको दिया है डॉट करके क्रो डी यू सी के डक एच ई एन हैन ओ डब्ल्यू एल आउल पैरोट पीकॉक पिजन एंड स्पेरो तो दिस आर दी बर्ड्स दिस आर दी बर्ड्स क्रो डक हैन आउल पैरोट पीको पिजन एंड स्पेरो दीज आर बर्ड्स राइट तो आपको फर्स्ट आपको दिया है देखो पेज नंबर 59 पे फर्स्ट वन बी आई आर डी एस बर्ड्स उसमें आपको क्रो ऑलरेडी दिया गया है राइट एंड देन यू हैव सम लाइन वन एंड टू लाइन्स बट अब सब व्हाट हैपन When you are writing, your writing मतलब बहुत छोटे होते किसी के बहुत बड़े होते they need so much space. अब यहाँ पे इतनी सारी space नहीं है तो one thing you can do it, you can just take 3 to 4 example, right? आपको यहाँ पे बहुत सारे examples दिए हैं dog, duck, hen, owl, parrot, peacock, pigeon, sparrow. 8 examples दिए हैं but you have just only 2 or half a line. तो what you can do it, you can just pick up 3 and 4 एट बर्ड्स नेम एंड यू कैन राइट इट डाउन जितने प्लेस है आपके पास उतने ही स्पेस में आप उस बर्ड्स के नेम लिख सकते हो इफ यू डू नॉट हैव वो स्पेस इट्स ओके इट्स नॉट कंपल्सरी कि आपको सारे नेम्स लिखने हैं जस्ट फॉर द यू नो इट दिस आर द बर्ड्स अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रो तो क्रो इज अ बर्ड और क्रो इज अ पर्सन तो यू नो इट कि क्रो इज अ बर्ड वो बर्ड का नेम है राइट सो आपके पास कम प्लेस है इफ यू डोंट हैव टू मच स्पेस योर राइटिंग इज टू बिग टू स्मॉल और बहुत सारी स्पेस लगती है देन डोंट वरी बट एटलीस्ट यू हैव टू राइट 3 to 4 एग्जाम्पल डोंट टेक ओनली 1 and 2 ओके एटलीस्ट यू हैव टू राइट 3 and 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पे से आप 3 or 4 कोई भी नेम्स लिख सकते हो यहाँ पे ओके राइटिंग शुड बी नीट गुड स्मॉल नॉट बी टू स्मॉल नॉट बी टू बिग मीडियम साइज की राइटिंग करने हैं अच्छे करने हैं डोंट टेक टू मच स्पेस इन बिटवीन द लेटर्स नॉट इन वर्ड्स इवन अ लेटर सो मेनी स्टूडेंट्स मेक अ स्पेस जैसे कि आर फिर ए बहुत दूर फिर उसके बीच में और दो लेटर आ जाए ऐसे लिखते हैं नो
कोई भी एक वर्ड्स लिखते हैं तो उसमें बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए. ओके, दिस वे यू हैव टू राइट इट डाउन. सो वर्ड्स में यू कैन राइट डाउन क्रो, डक, हैन एंड आउ. आप इसमें से कोई भी 3-4 एग्जांपल्स ले सकते हो एंड देन यू हैव टू राइट इट डाउन. फाइन, द नेक्स्ट वन आपको दिया है आफ्टर दिस पेरो, कैमल, काउ, डॉग. सी वन थिंग यू ऑल्सो कैन डू इट बिकॉज इट्स हियर यू कैन सी इन द येलो वेब्स टू स्मॉल हैंड, मतलब टू स्मॉल राइटिंग में लिखा हुआ है. तो आप जो भी वर्ड्स लेते जा रहे हो ना, जो भी नाउन, उसको टिक कर दीजिए. सो यू नो इट कि ये वाले नेम्स आ चुके हैं, रेस्ट ही आपको लेने. अदरवाइज वाइल राइटिंग, वाइल फाइंडिंग, यू हैव कंफ्यूज कि मैं कहाँ था, मुझे कौन से लिखने हैं. ओके, सो यू कैन टिक इट ऑल्सो. द सेकेंड वन इज कैमल, डॉग, काउ, डोंकी, फॉक्स, गॉट, हॉर्स, लायन, पिग, शिप एंड टाइगर. सो दिस आर थिंग्स, वो सारी कोई चीज है? नो, दिस आर फ्रूट्स. डोंकी इज अ फ्रूट वी कैन ईट? नो नो मैम. प्लेसेस, डोंकी इज अ प्लेसेस, डोंकी नाम की कोई प्लेस है हम घूमने जा सकते हैं डोंकी प्लेस पे? नो मैम. इट्स वर्कर्स, कोई वो पर्सन है जो काम करता है? नो. डोंकी भैया? नो. डोंकी इज अ क्लॉथ, क्या हम डोंकी को पहन सकते? नो मैम. दैट एनिमल्स, यस मैम, डोंकी इज अ एनिमल. सो जो डोंकी, कैमल, काउ, डॉग, लायन, पीग है, वो सब हम किस में लिखेंगे? एनिमल्स में. आपको पेज नंबर 60 पे, नंबर 7 पे यहाँ पे दिया है एनिमल्स, राइट? यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स के नेम दिए हैं, बट यू कैन टेक आउट 3-4, 5-6, जितने आपके पास स्पेस है आप उतने नेम लिख सकते हो. फाइन, देन आफ्टर एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, पिच, पेयर एंड प्लम, दिस आर फ्रूट्स. सो हम फ्रूट्स में लिखेंगे. यू कैन सी थर्ड नंबर पे, पेज नंबर 60 पे फ्रूट्स दिया है, तो यू कैन राइट इट डाउन. फाइन, नेक्स्ट वन कैबेज, कैरेट, अनियन, पोटैटो, रेडिश, टोमेटो, दिस आर वेजिटेबल्स. सो वी राइट इट डाउन इन वेजिटेबल्स. फाइन, नेक्स्ट वन कॉट, स्कार्फ, शर्ट, शॉर्ट्स, सॉक्स, ट्राउजर, दिस आर द नेम ऑफ क्लॉथ्स. सो हम क्लॉथ्स में लिखेंगे, राइट? यू कैन सी सारे कपड़ों के भी नेम है. मामा प्लीज गिव मी शॉर्ट्स, मामा प्लीज गिव मी टी शर्ट्स, टुडे आई वेयर साड़ी, टुडे आई वॉन्ट टू वेयर जीन्स, आई वॉन्ट टू वेयर हुडी टी शर्ट्स, राइट? एवरी क्लॉथ हैज अ नेम इवन. द नेक्स्ट वन बार्बर, जो हमारे हेयर को कट करता है, कॉबलर, जो हमारे शूज और चप्पल बनाता है, डॉक्टर, जब हम बीमार होते तब हमारी केयर करते हैं, फार्मर, जो क्रॉप्स और वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, नर्स, जो हमारी ध्यान रखते हैं, हमारी केयर करते हैं, पेंटर, जो पेंट करते हैं, पुलिसमैन, जो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करवाते हैं हमसे, ट्रैफिक पुलिसमैन, फिर अगर किसी ने चोरी की है तो उसको पकड़ने में हमारी हेल्प करते हैं, पोस्टमैन, जो चिट्स, हमारी जो चिट्ठियां लेटर्स होते हैं उसको सेंड एंड रिसीव करते हैं, टीचर, जो आपको पढ़ाती है, राइट? जो आपको टीच कराती है. तो दिस आर दी वर्कर्स. वो सब क्या है? वर्कर्स में है जो हर चीज को सर्विस में वो फीस लेते हैं, उसके पैसे लेते हैं. तो दिस आर दी वर्कर्स जो अपना काम कर रहे हैं, तो वो सबके भी नेम है. आई एम नॉट डॉक्टर, आई एम नॉट एनिमल, आई एम नॉट लायन, आई एम टीचर. तो वो एक नेम हुआ, राइट? The next one, so you have to write down in workers, fifth number pe workers mein, okay? The next one, airport, jahan if you want to go in another city, another state, another country, to phir aap airport jaate ho, flight mein, right? To wo ek place hui, right? Features, garden, hospital, हाउस जिसमें आप रहते हो, पार्क, प्लेग्राउंड, स्कूल,
temple, theater, zoo, this are the places, right? फिर नेक्स्ट वन, जैसे कि आपके घर में भी डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हैं, आपके घर में भी आप देख सकते हो बाथ, किचन, बेडरूम, लिविंग रूम, यस देस आर आल्सो प्लेसेस, वो भी अलग अलग जगह ही है ना, बट सबके नेम है। देखा हमारे घर में कितने सारे नेम्स हो रहे हैं, आप एक बार लिस्ट बनाओगे ना हर चीज में, आई विल गिव यू होमवर्क वन डे, तो बहुत सारी चीज होगी। किचन में जाओ तो बहुत सारी स्पून, डिश, फॉक्स, फिर बाउल, ग्लास, प्लेट, स्टव, बहुत सारी, हर एक चीज में नेम होंगे, मतलब थाउजेंड्स ऑफ नेम्स आर देयर इन अवर हाउस इवन जस्ट। ओके द नेक्स्ट वन, सो देयर आर द प्लेसेस, सो यू कैन राइट इट डाउन इन द नंबर वन प्लेसेस, राइट। द नेक्स्ट वन, बैग जिसके ऊपर हम सोते हैं, बुक, बॉक्स, बस, पॉपकॉर्न, कार, काइट, पेन, पेंसिल, ट्रेन, ट्रक, वॉच, दिस आर द थिंग्स, वो सब चीजें हैं जिसके कुछ ना कुछ नेम है, जिस चीज को हम यूज करते हैं, राइट। तो दिस आर द थिंग्स, तो इन द येलो बुक सो मेनी नेम्स आर देयर, देन दीज नेम्स यू हैव टू बाइफर्केट, वो सब आपको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में लिखने हैं। सो दिस ऑल आर द नेमिंग वर्ड्स, राइट, ये सब नेमिंग वर्ड्स और नाउन से जिसके कुछ ना कुछ नेम है, इट्स द टॉपिक, यस। सी और सम मोर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं बोलूं माई नेम इज एकता, तो माई तो किसी का नेम नहीं होता है, नेम इट्स नो, इज किसी का नेम, नो, एकता किसी का नेम, यस एकता किसी का नेम हो सकता है, तो एकता इज अ नेमिंग वर्ड। फिर दैट इज अ बिग एलिफेंट, दैट इज अ बिग एलिफेंट, दैट किसी का नेम, नो, दैट भाई कभी देखा है, दैट किसी का नेम हो, इज किसी का नेम हो, और किसी का नेम हो, बिग किसी का नेम है, बिग भाई, बिग बैन, बिग चाचू, नो, बट एलिफेंट, यस एलिफेंट इज अ नेम ऑफ एनिमल, तो एलिफेंट क्या हुआ, नेमिंग वर्ड, राइट। सो दिस आर कॉल्ड द नेमिंग वर्ड्स, नाउ यू कैन सी पेज नंबर 61, ओके जस्ट अ सेकेंड, yes, now page number on 61, you can see the red line, it's written the names of people, yani ki aap sabka, hum sab people hai, right, we all are peoples, jaise ki hum sabka name hai, mera naam Ekta hai, as you know it, your father name, your mother name, Darshna, Chetna, Vandana, what's your mother name, right, फिर आपका नेम है रोहन, राहुल, रीटा, राज, खुश, फिर योर फ्रेंड्स नेम, जो सबके नेम है, राइट। फिर डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फेस्टिवल, दिवाली, होली, धुलेटी, काइट फेस्टिवल, राइट, दिस आर द फेस्टिवल। फिर बुक्स, बहुत सारी बुक्स है जैसे कि गीता, कुरान, फिर बाइबल, फिर आप बहुत सारे ऑथर्स की भी बुक्स देखते हो, इंग्लिश की बुक, लनवेयर, राइट, दिस आर द बुक्स। फिर फेमस बिल्डिंग, मतलब कि जो एक ही बिल्डिंग है उसका और कोई नेम, जैसे कि ताजमहल है, तो ताजमहल इज ओनली वन इन द वर्ल्ड, राइट। फिर रेड फोर्ट, लाल किला जो है वो भी एक ही है, दूसरा कोई रेड फोर्ट नहीं है, राइट। फिर सपोज कि आप ले लो हवा महल जयपुर में, वो भी एक ही है, इट्स फेमस बिल्डिंग। Then Kutub Minar is famous building, right? These are the only one, right? Fir next one, towns. Towns matlab na to village, na to city, beach wala, right? Fir cities, Morbi, Rajkot, dusra koi Morbi hai is world mein? No. Fir Ahmedabad, fir countries, India, Pakistan, Malaysia, Singapore, Indonesia. रिवर्स, नदियों के भी नेम है, गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, मच्छू, तापी, नर्मदा, राइट। फिर सीज, बहुत सारे ओशियंस भी है, पैसिफिक ओशियन, एटलांटिक ओशियन, इंडियन, आर्कटिक ओशियंस, राइट, माउंटेन्स, हिमालय। सो यहाँ पे जो चीज के स्पेशल नेम है जो दूसरे कोई नहीं है इस वर्ल्ड में, राइट, तो उसका नेम हमेशा कैपिटल में, फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल में लिखा जाता है। एज आई टोल्ड यू इवन अ वेरी फर्स्ट डे वन कि योर नेम, जैसे कि आपका नेम है राहुल, तो आप कहीं पे भी लिखो ऑलवेज आपका फर्स्ट नेम कैसा रहेगा,
कैपिटल राइट। तो यहाँ पे भी ये जो भी सारे नेम्स है ये सारे वो हमेशा उसका फर्स्ट लेटर किस में लिखा जाता है, कैपिटल। जैसे कि यहाँ पे इफ आई गिव यू एग्जांपल, जैसे कि पीपल में अगर मैं लिखना चाहती हूँ जैसे कि विराट, तो विराट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा रहेगा, कैपिटल। हमेशा फर्स्ट लेटर ही कैपिटल रहेगा, नो नीड टू राइट इन कैपिटल। The first letter you have to write down in capital. फिर days है, तो अगर Sunday है तो Sunday का first letter always capital. Then months, तो जैसे कि मैंने लिया March, तो March का always M capital. Then festival, तो short holly, H always be write in capital letter. Books है जैसे कि मैंने लिया Lunville. So, London का I'll always write down in capital. फिर suppose के लिए famous building, तो famous building में suppose की ताजमहल, okay? So, ताजमहल always write down the first letter capital. फिर suppose के town में लिया है कोई छोटा सा town जैसे कि ड्रोल, it's one of the town name, right? The next one cities. तो उसमें हम अपने सिटी का नाम लिखते हैं मोरबी, फर्स्ट लेटर कैपिटल। कंट्रीज, तो जैसे कि इंडिया, फर्स्ट लेटर कैपिटल। रिवर्स, तो जैसे कि मच्छू जो हमारे मोरबी में है, राइट। देन नेक्स्ट वन सीज, जैसे कि इंडियन ओशियन और सीज, माउंटेन हिमालय, राइट। तो ये सबका ऑलवेज द फर्स्ट लेटर राइट डाउन इन कैपिटल लेटर, राइट। ये सबके नेम के फर्स्ट लेटर कैपिटल्स लेटर में लिखा जाता है, ओनली द फर्स्ट लेटर, बिकॉज दीज आर द स्पेशल्स, राइट। वहां वर्ल्ड पे और कोई, जैसे कि मोरबी एक ही है, ताजमहल एक ही है, कंट्रीज इंडिया एक ही है, तो ऑलवेज राइट विद द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल। सो यू हैव सम एग्जाम्पल्स आपको एक्सरसाइज दी है पेज नंबर 61 पर, कि फीवी ऑलवेज यूज विद द नेम ऑफ बुक्स, द किसके आगे यूज किया जाता है, नेम्स ऑफ बुक्स, रिवर, फेमस बिल्डिंग, यू कैन ऐड दी विद द, जैसे कि यहाँ पे था द ताजमहल, यहाँ उसके आगे क्या यूज करना है, द ताजमहल, फिर द गंगा, फिर जो भी सब फेमस है ये सारे रिवर्स बुक्स एंड बिल्डिंग, तो उसके आगे आपको क्या यूज करना है, द, राइट। दीज आर दी स्पेशल, वो एक ही है, दैट्स वाई द यूज होता है, फाइन। सो यू कैन सी बुक्स, रिवर्स एंड बिल्डिंग। सो यहाँ पे थ्री एग्जाम्पल्स आपको, थ्री एक्सरसाइज दी है, थ्री नेम्स कैटेगरीज दी है, उसमें आपको लिखना है। तो बुक्स में आप लिख सकते हो जैसे कि गीता, गीता हमारे हिंदू और धर्म की, हिंदू रिलीजन्स की बुक है, जिसमें अपनी लाइफ के सारे सॉल्यूशंस और सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस के आंसर्स लिखे हुए हैं। तो वैसे ही सबके अपने अपने रिलीजन्स की बुक होती है, मुस्लिम लोगों का कुरान होता है, क्रिश्चियंस लोगों का बाइबल होता है, तो यू कैन राइट इट डाउन हियर आल्सो। फिर फेमस बुक द सीक्रेट, बहुत सारे फेमस बुक्स हैं, उसके भी नेम यू कैन राइट इट डाउन इफ यू नो इट। फिर रिवर्स, द गंगा, द यमुना, द तापी, द नर्मदा, वो आप कोई भी रिवर्स के नेम लिख सकते हो। बिल्डिंग्स, एज आई टोल्ड यू, द ताजमहल, द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, so you can write it down, okay? So this you have to do it. फिर famous some festivals के नेम, हम बहुत सारे पूरे इंडिया में in the year we celebrate lots of festivals. आप देख सकते हो नवरात्रि, गणेश चतुर्थी, जन्माष्टमी, उत्तरायण, दिवाली, फिर ईद, फिर क्रिसमस, so many festivals we celebrate in this year, right? So you can write down some festivals name. Page number 161. So here chapter 1, naming words and noun chapter complete. Okay, one more thing. The name of person, place, things, animals are called naming words. You can say in the every word has a name. These all are the called naming words or naming words, other name, nouns. Okay, bye bye everyone. Have a nice day. See you soon.